पर्ल एमराल्ड नेकलेस, दो तरह के बीड्स लिए इसमें मैंने, वाइट एंड ग्रीन कलर, जो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और बनाने में बहुत ही इजी है और लाइट वेट है, कोई वज़न भी नहीं है इसके अंदर। और बीच में मैंने छोटा सा एक पेंडेंट भी लगा दिया है, बिना पेंडेंट भी रख सकते हैं इसको। और ऊपर मैंने लॉबस्टर पिन, जो है लॉबस्टर हुक आता है, वो अटैच किया है इसमें, और इसकी सहायता से इसको हम बंद कर सकते हैं। बिना पेंडेंट के भी रख सकते हैं इसको, सिंपल भी रख सकते हैं, पर मैंने एक छोटा सा पेंडेंट इसमें बीड्स को ही राउंड करके लगा दिया। ये लुक आई है इसकी, और पहनने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसको बनाने की जो प्रोसेस है, प्रिपरेशन मेथड है, उसमें मैंने पहले लॉबस्टर हुक जो है उसको मैंने नॉट लगा के डोरी के साथ बांध लिया है, धागे के साथ। प्लास्टिक का धागा होता है ये, जो मजबूत होता है, टूटता नहीं। तो इसमें मैंने बांध कर इसको टू पार्ट्स में ये डिवाइडेड है इक्वल, और इसमें मैं बीड्स डालूँगी। अब सबसे पहले ये बीड्स है मेरे पास, मैं सोच रही थी इसमें जो है रूबी कलर, जो पिंक कलर है, वो भी यूज़ करूं, लेकिन फिर मैंने दो ही कलर से सोचा, वाइट और ग्रीन। तो सबसे पहले मैं एक बीड डालूंगी सिर्फ इसके अंदर वाइट कलर का। नीडल की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा थ्रेड थोड़ा सा मोटा है, तो मैंने इसको सिंपली, मेरे को ईजी था ऐसे ही बनाना, तो मैंने इसमें एक थ्रेड लिया है और दूसरे थ्रेड को इसके अंदर से गुजार दूंगी मैं, और इसको फिर मैं एंड तक ले जाऊंगी और एक नॉट बन जाएगी। थोड़ा थ्रेड लंबा है, अभी लंबा ही लेना पड़ता है, क्योंकि बीच में छोटा ना पड़ जाए, फिर बहुत सारी बीच में गांठें आ जाती हैं। तो इसको मैं लेके जाऊंगी एंड तक, जो लॉबस्टर हुक है वहाँ तक, बीच में कोई गांठ वांठ ना आ जाए, तो इसको आराम आराम से हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। एक जो है बीड मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है। अब दो सिरे हैं इसके मेरे पास, एक सिरे के अंदर मैं डालूँगी ग्रीन और वाइट। इसमें मैं डालूँगी एक, पहले सबसे पहले ग्रीन डालूँगी बीड, और फिर डालूंगी एक वाइट। बहुत इजी है इसको बनाना, बच्चा भी बना सकता है। ग्रीन, और अब दूसरे साइड पे मैं डालूंगी एक वाइट, इस तरफ एक वाइट बीट डालूंगी। और मैं ग्रीन के साथ डालूंगी, इंसर्ट करूंगी इसमें ग्रीन वाली डोरी में एक वाइट बीड डालूंगी, ताकि ग्रीन को थ्री वाइट जो है बीड्स वो कवर कर लें। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं क्या करूंगी, जो ग्रीन डाला है मैंने, उसके ऊपर जो वाइट है, दूसरी डोरी को उसके अंदर से गुजारूंगी। ये इसके अंदर से गुजार दूंगी, इस तरह से, और एक नॉट को मैं टाइट कर दूंगी। ये इस तरह एक फ्लावर की लुक आ गई है, हाफ फ्लावर की, जो ग्रीन है वो नीचे है और थ्री बीड्स ने इसको कवर कर लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, जिस तरफ ग्रीन बीड है उस तरफ फिर से एक ग्रीन बीड डालूँगी। ये मैंने डाल दिया, और
जो दूसरी तरफ वाइट की साइड जो डोरी है, मेरा थ्रेड है, उसमें मैं वाइट ही डालूंगी। इस तरह से अब ग्रीन वाले थ्रेड में मैं एक वाइट बीट जो है रिपीट करूंगी, जैसे मैंने फर्स्ट नॉट लगाई थी बिल्कुल वैसे ही मैं एक वाइट डालूंगी। और अब जो ग्रीन बीट के साथ वाइट डाला है मैंने, उसमें से मैं दूसरे वाले थ्रेड को पास करूंगी इसके अंदर से। इस तरह से, और कई बार ये अगले बीट में भी चला जाता है, तो मैं इसको निकाल कर सिर्फ इसमें से ही मैं इसको गुजारूंगी और फिर से नॉट को मैं टाइट कर दूंगी। और इसको मैं टाइट कर दूंगी इस तरह से। ये दो जो हैं बीट्स जो फ्लावर बन गए हैं, और पूरी जो है जितनी भी मुझे लेंथ चाहिए उतने मैं इसी प्रोसेस से जो बीड्स हैं वो इसमें डालती जाऊंगी। ये दो फ्लावर बने हैं, लेकिन मैं सिमिलरली इसमें इस तरह से यही प्रोसेस दोहराते हुए जाऊंगी और इस तरह से ही मेरा बनता जाएगा। ये कुछ थोड़ा सा बनाया है मैंने और इसको मैं फुल बना लूँगी, पूरा कंप्लीट बना लूँगी इसको मैं। और कंप्लीट करने के बाद इसमें मैं डालती जाऊँगी और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जितना भी मुझे लेंथ चाहिए वहाँ तक मैं सेम प्रोसेस रिपीट करती जाऊँगी। अपनी नेक के हिसाब से हम करेंगे, जितनी लेंथ नेक में हमें चाहिए। तो ये जो है मैंने इस तरह से इसको प्रोसेस को रिपीट करते करते इसको मैं आगे तक लेकर जाऊंगी। वही सेम प्रोसेस, और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा और बनने के बाद ये इस तरह से दिखाई देगा। ये बनाने के बाद मैंने लॉबस्टर पिन जो लगाई थी दूसरी तरफ, मैं जंपरिन लगाकर उसको बंद कर दूंगी और बीच में छोटा सा मैंने पेंडेंट बना लिया। बिना पेंडेंट भी इसको बना सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बिना पेंडेंट भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।